बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको काउंट डाउन बुक 6 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 2 इंटीजर एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास नंबर्स गिवन है, नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करें। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर गिवन है हमने उसी नंबर को इटसेल्फ के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो उसका स्क्वायर होगा। लेट्स स्टार्ट ऑन आवर रजिस्टर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 25। हम क्या करेंगे, 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर देखें 25 मल्टीप्लाई बाय 25 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ 25। 5 को राइट करेंगे, 2 को कैरी कर लेंगे। 5 2 ज़ 10 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 12। अब ये 2 का नंबर है तो हम यहाँ पर 0 राइट कर देंगे। 2 5 ज़ 10 0 को राइट करेंगे, 1 को कैरी करेंगे। 2 2 ज़ 4 प्लस 1 5। अभी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 2 एंड 6। इट्स मीन कि हमारे पास जो स्क्वायर आया वो क्या आ चुका है, 625 क्या है इसका स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास 19 है तो हम क्या करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 19 कर लेंगे। 9 9 ज़ 81 1 को राइट करेंगे, 8 को कैरी कर लेंगे। 9 1 ज़ 9 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 17। नेक्स्ट 1 का नंबर है उसकी जगह पर 0। 1 9 ज़ 9 1 1 ज़ 1 नंबर्स का ऐड करेंगे, 1 16 आ जाएगा। 1 कैरी कर लेंगे, 6 राइट करेंगे, 3 हमारे पास क्या आया, स्क्वायर आ चुका है 361। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस तरीके से स्क्वायर फाइंड करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है 21, हम क्या करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 कर लेंगे। 1 1 ज़ 1 1 2 ज़ 2 2 का नंबर है तो यहाँ पर 1 2 1 ज़ 2 एंड 2 2 ज़ 4 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ चुका है नंबर 1 4 8। इट्स मीन 21 का स्क्वायर आ चुका है 841। 23 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखें हम राइट करेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 23। 3 3 ज़ 9 3 2 ज़ 6 0 यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 3 ज़ 6 2 2 ज़ 4 9 12 आ जाएगा। 1 को कैरी कर लेंगे एंड 4 प्लस 1 5 हमारे पास 23 का स्क्वायर क्या आ चुका है, 529। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है 23। सो हम क्या करेंगे, 32 है, हम यहाँ से ही कर लेते हैं। चलें 32 मल्टीप्लाई बाय 32 2 2 ज़ 4 2 3 ज़ 6 अब 3 का नंबर है, 3 2 ज़ 6 3 3 ज़ 9 सम किया तो क्या आ चुका है, 4 12 आता है तो 2 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे तो आ जाएगा 10। इट्स मीन हमारे पास स्क्वायर क्या आ चुका है, 1024। नेक्स्ट हमारे पास 35 है, सो हम 35 मल्टीप्लाई बाय 35 कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 5 5 ज़ 25 5 को राइट करेंगे, 2 को कैरी कर लेंगे। 5 3 ज़ 15 15 आ चुका है, 15 का क्या करेंगे, यहाँ पर हम 15 को राइट कर देंगे। 3 है तो यहाँ 0 से 3 5 ज़ 15 5 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे। 3 3 ज़ 9 प्लस 1 10 सम कर लेंगे, 5 यहाँ से 10 0 राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, 2 एंड 1 हमारे पास स्क्वायर क्या आ चुका है, हमारे पास स्क्वायर आ चुका है 1205। नेक्स्ट क्या है, 24 का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, 42 का स्क्वायर फाइंड करें। 42 मल्टीप्लाई बाय 42 कर लेंगे। 2 2 ज़ 4 2 4 ज़ 8 0 राइट कर देंगे। 2 4 2 ज़ 8 4 4 ज़ 16 सम कर लेंगे तो आ जाएगा 4 8 प्लस 8 16 6 को राइट करेंगे, 1 को कैरी करेंगे। 6 प्लस 1 7 एंड यहाँ से 1 हमारे पास क्या आ चुका है, स्क्वायर आ चुका है 1764। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है 51। सो 51 मल्टीप्लाई बाय 51 कर लेंगे। 1 1 ज़ 1 1 5 ज़ 5 5 1 ज़ 5 5 5 ज़ क्या आ गया, 25 इसका सम कर लेंगे। 1 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 0 राइट करेंगे, 1 को कैरी करेंगे। 5 प्लस 1 6 है यहाँ से 2 हमारे पास स्क्वायर क्या आ चुका है, 2601।
8 तक मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, रिमेनिंग पार्ट आप लोग खुद से करें। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ गार्डनर वांट टू अरेंज सम प्लांट सो दैट द नंबर ऑफ द रोज ऑफ प्लांट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। इफ द नंबर ऑफ रोज द गार्डनर मेक इज 25, देन हाउ मैनी प्लांट डज ईच हैव। यानी एक गार्डनर की ख्वाहिश है कि वो जितने उसके पास प्लांट्स रोज़ हैं वो चाहता है उतनी हर रो में उतने ही वो प्लांट लगाए, ठीक है। तो वो चाहता है कि इक्वल रोज़ एंड इक्वल हमारे पास क्या हो, प्लांट्स हों। तो उसके पास यहाँ पर क्या है, वो गार्डनर ने अगर गार्डनर 25 रोज़ बनाएगा तो वो कितने प्लांट्स टोटल लगाएगा, यानी 25 रोज़ में हर रो में वो 25 लगाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें, ये स्क्वेयर शेप में उसके पास वो गार्डन है, यहाँ पर भी वो 25 रोज़ टोटल कितनी है 25, तो हर रो में वो 25 ट्रीज़ वो प्लांट करना चाहता है, ठीक है। तो हम राइट करेंगे ट्रीज़ इन अ रो, यानी एक रो में वो कितने चाहता है 25, और नंबर ऑफ रो भी कितने हैं 25, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ हमारे पास क्या आएंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 25 का 625, ये इसका आंसर है, ठीक है। इन टोटल ट्रीज़ जो वो प्लांट करेगा तो वो होंगी 625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द टू पॉजिटिव होल नंबर इज, यानी दो हमारे पास नंबर है जिनका हम लोगों ने क्या किया, द सम ऑफ द स्क्वेयर, हम लोगों ने उनके सम का स्क्वेयर किया है, ठीक है। ऑफ द टू पॉजिटिव होल नंबर इज 794। इफ वन नंबर इज 13 तो अदर नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास है सम ऑफ द स्क्वेयर, यानी दो स्क्वेयर्स का जो सम किया है तो वो हमारे पास आया 794, जिसमें से एक नंबर हमारे पास 13 है, अदर नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें, अगर हम स्क्वेयर ऑफ वन नंबर का, हम क्योंकि हमारे पास जो सम है वो स्क्वेयर का है, नंबर का नहीं है, स्क्वेयर का है, सो हम इसको स्क्वेयर के जरिए ही फाइंड करेंगे। सो स्क्वेयर ऑफ वन नंबर 13 मल्टीप्लाई बाई 13 के, तो हमारे पास क्या आ चुका है 169। अभी अदर नंबर हम लोगों ने फाइंड करने, सम में से अदर नंबर को माइनस करेंगे, सम हमारे पास क्या है 794 माइनस अदर नंबर सॉरी माइनस वन नंबर का जो हमारे पास क्या था स्क्वेयर, ठीक है, वन नंबर का स्क्वेयर मेरे पास क्या है, मेरे पास स्क्वेयर 169। सो 794 में से 169 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया 625। अच्छा 625 हमें नहीं पता कि कौन से किस नंबर का स्क्वेयर है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर रफ़र कर लेंगे। रफ़र में क्या होगा कि हम 625 के हम फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। 5 के साथ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1, यहाँ से 2 एंड 5, फिर 5 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 के साथ, फिर 5 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 5, फिर 5 के साथ जाएंगे तब जाकर ये आया 1 के साथ। अब यहाँ पर देखिए हम इनके पेयर बना लेते हैं, ये 1 पेयर एंड ये 2 पेयर, ये 2 पेयर में हमारे पास नंबर आ गया, इट्स मीन कि ये हो गया 5 स्क्वायर एंड ये भी हो गया 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें अदर नंबर हमारे पास, हमने अदर नंबर को फाइंड करें लेकिन हमारे पास जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर हमारे पास क्या आया है 625 का, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू, हमारे पास जो नंबर है ये हमारा नंबर किसकी इक्वल है 5 मल्टीप्लाई बाय, यानी 5 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा 25 स्क्वेयर। इट्स मीन कि जो हमारे पास अदर नंबर हमारे पास है 25। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर ऑफ 65 एंड द स्क्वेयर ऑफ 45, यानी 65 एंड 45 हम लोगों ने स्क्वेयर लेना है, उनके स्क्वेयर के को हम लोगों ने, जब हमारे पास स्क्वेयर आ जाएंगे तो फिर हम लोग का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस से मुराद क्या है, हमने माइनस करना है। तो यहाँ पर देखें,
हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ 65 का स्क्वायर 65 मल्टीप्लाई बाय 65 हमारे पास आ गया है, एक मिनट, 65 मल्टीप्लाई बाय 65 करेंगे तो आ जाएगा 4225, इस तरह 45 का स्क्वायर लेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 45 इज 2025, हमने डिफरेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखें हमने 65 का स्क्वायर एंड 45 के स्क्वायर्स को राइट कर ली, अब हम इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया तो आ गया 0, 2 में से 2 गया तो आ गया 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 में से 0 है नीचे तो ऊपर से 2 जंप कर लेगा, यहाँ से आ जाएगा 2, हमारे पास डिफरेंस क्या आया है, 2200 क्या है हमारे पास डिफरेंट आया, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2D कंप्लीट हो चुकी है, अल्लाह हाफिज़।